हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। और आज का व्लॉग ऐसे शुरू हो रहा है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे चल रहा है लेडीज़ डे आउट। तो हम मौसी जी भी आज कुछ नए लुक में हैं, मम्मी मैं मौसी जी भांगी हम लोग जा रहे हैं सब लोग प्रगति मैदान ट्रेड फेयर। सो एवरी टाइम वी डिड लेडीज़ डे आउट, लेट्स गो। अभी चलते हैं यार, मेट्रो में कैमरा शायद अलाउड नहीं है, तो मैं उसके बाद आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आज क्या करने वाले हैं, पूरा दिन आई विल कवर अप। भाई हम लोग प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं और किसी भी मेट्रो स्टेशन पे टिकट हमें नहीं मिले हैं। वी वर इन द थॉट कि हमें मिल जाएगा टिकट। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग कि टिकट्स मिल जाए। तो प्रगति मैदान ट्रेड फेयर का आज लास्ट डे है, तो सब लोग टिकट्स के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि भाई टिकट मिल जाए टिकट मिल जाए, बट टिकट नहीं मिल रहा है। मैं आपको बाहर की हालत दिखा देती हूँ कैसी हो चुकी है। ये देखो, टिकट के इंतजार में इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और आई डोंट थिंक सो कि टिकट्स हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा है। मम्मी मैं आपको पहली बार, मतलब आपका एक, आप इतने टाइम से चाहती थी कि आप ट्रेड फेयर घूमो, मैं आपको लेकर आई। लास्ट वीक आपने कैंसिल किया। अब ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बताओ। बट आई विल ट्राई कि हम चले जाएं अंदर। आई थिंक मेरे को लग गई है, हाथ में लग गई मेरे को बहुत। मैंने कहा कोई सरकारी का कोटा लग जाए। मौसी जी कोई सरकारी स्कूल का कोटा कुछ समथिंग कुछ वर्क करेगा नहीं करेगा, कुछ वर्क नहीं करेगा। सो भाई कुछ वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। और मेरा तो गई प्रगति मैदान का मेला, ट्रेड फेयर हम अंदर से तो दिखा नहीं पा रहे, लेकिन बाहर से देखो, बाहर से यू कैन सी कि लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर है। पूरी तादाद में लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं जस्ट फॉर दी, मतलब ट्रेड फेयर देखने के लिए, क्योंकि लास्ट डे है। और मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग भी अंदर जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं। अब आए तो किसी और मार्केट घूमेंगे, बट वी विल श्योरली एक्सप्लोर समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब मेरा एक्साइटमेंट जो है ना ख़त्म हो गया यहाँ पे आने के बाद। खत्म हो गया। ये सीनियर सिटीजन जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम अभी जवान हैं, हम बूढ़े नहीं हैं। तुम्हारा फ़ायदा हो गया भाई, तुम्हारी उम्र का। अरे तो हम लोग बाहर वेट करेंगे, तुम लोग घूम के आओ। और क्या है, तो मम्मी और कौन मौसी को अलाउ कर रहे हैं जान। निधि रुक जा, बूढ़े वाला रूप ले जल्दी से अपना, ऐसे ऐसे करके चल, टांग नीचे ऐसे लटका के। मैं अब मैं बूढ़ी बन जाती हूँ, सफ़ेद बाल कर लेती हूँ पूरे अपने। अरे सुन ना निधि, सुन जरा, सुन एक काम करते हैं, 60 के हम, सुन ना इनको, इनको ये बोल देते हैं भैया हमारे मुंह पे मेकअप लग रहा है, पानी फेंक के मारो। मैंने कहा भैया हम तो बूढ़े हैं, बूढ़े हमारा मेकअप से छुपा रखा है यार अपना बुढ़ापा। चलो यार लपेट में ही हैं हम। सो गाइस फाइनली हमें एंट्री मिल गई है, और एंट्री हमें वो दिला रहे हैं अंकल। और आई एम सो हैप्पी कि यार ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे हेल्प करने वाले। गाइस अभी फाइनली हम लोगों को मिल गई है ट्रेड फेयर में एंट्री। और इसका मतलब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे सारे रूल वूल तोड़ फाड़ करके अंकल अंकल प्लीज प्लीज। और इसने बटरिंग भी की। और एक और आज मुझे ब्लॉगर होने का एक फ़ायदा नज़र आया कि एज अ ब्लॉगर जब मैं कैमरा लेके उनको बोला कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए स्पेशली यहाँ पे आई हूँ, बाकी कोई और मेरा कंसर्न नहीं था, छुट्टी मैंने ऑफिस से स्पेशली ली है, तो उन्होंने मेरे को फिर अलाउ करा दिया अंदर और हम सबको, तो दैट इज़ गुड यार। बट भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखो बहुत ही भीड़ है, क्योंकि यार लास्ट डे है तो बहुत भीड़ है। और यार इतना अच्छा लगा देख के, हालांकि जब हम लोग दुबई से वापस आए थे हमें लग रहा था दिल्ली पुलिस हेल्प नहीं करती है ये वो, बट आज लगा कि हाँ दिल्ली पुलिस भी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी हेल्प आज पहली बार करी है। मम्मी अब बताओ आपको कैसा फील हो रहा है आपका, मतलब आपका वन ऑफ द की आप चाहती थी बहुत सालों से आना, बट आप आ नहीं पाई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब हाउ इज़ योर अभी फिलहाल? एंट्री का एकदम से इंतजाम कर दिया इन लोगों को, तो फिर भी एंट्री मिल रही थी, हमें नहीं मिल रही थी। मैं अभी पता पूरा बूढ़े वाला रूप ले लेती, वरना बाल बाल वाइट करके ना, वो कह रहे थे सीनियर सिटीजन जा सकते हैं। दीदी और ये बोल रहे हैं हम सीनियर ही हैं, हम सीनियर भाई, मेकअप पे पानी फेंक के मारो पता चल जाएगा हमारा बुढ़ापा आ चुका है। तो अच्छा लगा हमें अंदर एंट्री। अब बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेट्स गो। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रेड फेयर, तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अंदर ट्रेड फेयर की ओर। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, विल ट्राई कि सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँ आप लोगों के लिए। सब लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं भाई अपनी स्टॉल्स वगैरह लगाने, तो स्पेशली आप लोगों के लिए ये ब्लॉग मुझे बनाना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सारी चीज़ें एंड टुडे इज़ लास्ट डे, तो ऑब्वियसली लोग एक्साइटेड होंगे। भाई फाइनली एंट्री मिल गई है, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, कैसा फील? गुड जॉब। कैसा फील कर रहे हो तुम यार? गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब।
ये देखो भाई सब अपनी अपनी कलाओं का, देखो चेयर्स फोल्डिंग्स यहाँ पे। जीरो ग्रेविटी चेयर, ओके। बैग्स, बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, क्या क्या कवर करूँ मैं। अभी मैं आते ही वो हो गई हूँ, यहाँ से कुछ देख लेते हैं हम लोग भी। चलो मम्मी, पूरा वूलन कपड़ों की यहाँ पे शॉप है, वूलन कुर्ती, वूलन सूट्स, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पूरा ज्वेलरी स्टोर है। वैसे ये चीज़ें नॉर्मली भी आप लोग देख लेते होंगे अपने एरियाज में, बट अभी यहाँ पे ट्रेडर का भी देख लो थोड़ा थोड़ा। इट इज़ अ, ये पूरा वैसा सा सामान है ना, हाँ पूरा होम डेकोर जितना भी चीज़ें होती हैं, बेडशीट्स, कारपेट, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, लिविंग रूम से रिलेटेड। अच्छा, नाइस। भीड़ बहुत है, देखो खचाखच भरी पड़ी है भीड़। यहाँ पे भी थोड़ा है सूट वैरायटी ना। भाव दी को लग रहा है वो मुझसे अच्छी व्लॉगिंग करेगी, तो वो उसने कैमरा मेरे हाथ से ले लिया है। यू शुड ओपन योर चैनल एज वेल इफ यू थिंक लाइक दैट। यस यू कैन। हाँ भाई, कल पंकज भैया यही बोल रहे थे। पंकज भैया, मैंने उनको बोला आप चैनल खोल लो, कह रहे जो मेरा बेटा है वीरू वो सारी चीज़ें एक ही बार में तोड़ फोड़ के कर देगा बराबर। और मुझे लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल भी खराब हो चुका है, जो मैं बना के आई थी मॉर्निंग में, पता नहीं क्या हो गया अजीब सा। अन्नू आज घर पे अकेला है बेचारा। एक सूट ले ले प्लीज मम्मी, एक बार तू पहन लियो, बाद में मैं ब्लैक के बराबर कि मैं एक सूट ले लूँ, वो ब्लैक के बराबर वाला, स्काई ब्लू कलर का। हाँ हाँ, थोड़ा सा फोकस हम इस पर कर देते हैं। ये देखो, ये सूट मम्मी बोल रही हैं ब्लैक के साइड में स्काई ब्लू की, मैं इसको परचेज कर लूँ। स्काई ब्लू मेरे पास पहले भी था बट मैंने वो भी नहीं पहना। क्या कहेगी आप इस बारे में? पार्टी में पहन ली, फिर मैं पहन ली। तो आप ऐसे ही ले लो, मैं आपको ऐसे ही दिला दूँगी। फंक्शन के लायक है, तो आप पहन सकती हो ना इसको फंक्शन में। एक लेना, एक बार यू कैन बाय दिस फॉर यू। भाई इन लोगों को तो यहाँ ट्रेड फेयर में आके भी बस सूट साड़ियाँ यही नज़र आ रही हैं, और किसी भी स्टोर पे लोग रुकने भी नहीं दे रहे हैं, ना ज्वेलरी पे ना किसी और पे, सब पे बस जहाँ सूट साड़ियाँ दिख रही हैं वहीं रुक रहे हैं ये लोग। तो आप चांदनी चौक में हैं, और मैंने यहाँ से सूट परचेज किया है, एक मैं आपको दिखा दूँगी तैयार करने के बाद भी। बॉलीवुड सूट्स है इनकी थीम, और ये चांदनी चौक से। अच्छा, तो कर देना भाई फॉलो कर लेना सब लोग जाके। और ये सूट मैंने लिया है यहाँ से, ये वाले कलर ऑप्शन थे इसमें, ये मैंने परचेज़ किया है, प्रॉपर न्यूड है ये, इसको मैं रेडी करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। बट अच्छा कलेक्शन है, और प्राइजेस भी इनके बहुत रीजनेबल हैं, मतलब मस्त है कि इतने रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेंगे नहीं, इतने प्यारे सूट, बहुत सुंदर। ये रहा, ये मैंने लिया है जो, ठीक है मम्मी आप भी अपने लिए देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, कलेक्शन भी अच्छा है, सबसे ज़्यादा इन्होंने प्राइजेज अच्छे रखे हुए हैं कि सब लोग ले सकते हैं नॉर्मली ना, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो बंदा नहीं सोचता है लेने से पहले। एग्जैक्टली, भीड़ है ये देखो, मैं कुछ आपको इतना पास से भी नहीं दिखा पा रही क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। इट्स ओके नो, ये देखो 3D पेंटिंग्स आई थिंक ये, वाओ। क्या प्राइस है भैया इसका? 1200। 3D पेंटिंग है, आई थिंक कैमरे में पता नहीं कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट बहुत सुंदर है। ज्वेलरी की शॉप है, हैदराबाद से है आई थिंक ये ना, हैदराबाद रियल पावर ज्वेलरी। हाँ, हैदराबाद से ये प्रॉपर, ये देखो सारा सामान यहाँ पे पूरा। क्या प्राइस क्या रहेगा इन वालों का भी है? बहुत सुंदर है, कहीं पे मार्केट हो और वहाँ पे मेकअप का सामान ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्रॉपर भाई मेकअप का भी पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हर एक चीज़। 100 मुझे ना वो लेना है एक। अच्छा, ब्रांड सारा एक ही है ये आई थिंक, सब कुछ कलर एसेंस का ही है। तो हर जगह मम्मी बाके बिहारी भक्त है, तो यहाँ पे भी देखो हमें इतने सुंदर गोवर्धन का पूरा वो बना हुआ है यहाँ पे, बाके बिहारी का। भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। ये मम्मी मैं व्लॉग बना रही हूँ, मम्मी अपनी फ़ोटो का पोज दे रही है यहाँ पे पूरा। मम्मी को यो वाला पोज हमने सिखा दिया है ना, तो मम्मी वही वाला हर जगह पर ट्राई करेंगी। मम्मी आप तुम्हारा जनरल फीडबैक जानना चाहते हैं हम लोग, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है सही में? बहुत खुश हूँ।
मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिस इज द ओनली थिंग कि वो करना चाहती थी, लेकिन ये उनकी लिस्ट में था कि वो ट्रेड पर घूमना चाहती थी। मम्मी आपको ये वाला ड्रीम मैंने पूरा किया ना, ड्रीम तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ एक कहते हैं ना कि छोटा सा एक इच्छा, छोटी सी मतलब काइंड ऑफ माइनर सी, एक छोटी सी इच्छा थी लेकिन वो भी पूरी कर दी। इट वाज लेकिन लिस्ट में एक माइनर सी चीज है। मैं सोचते हुए भी डरती हूँ, मैं यूएस से सोच रही हूँ और बच्चे लेके चले जाए। ओह माय गॉड, मम्मी ये तो आपने ज्यादा बोल दिया, अभी तो बच्चे खुद ही नहीं जा पा रहे, बट हाँ अब सोचा है तो लेके जाएंगे फॉर श्योर, विल ट्राई। बैठा ना बढ़िया है यार, लोग इतना दूर दूर से आते हैं ना, अपना अपना पूरा टैलेंट दिखाते हैं भाई, क्या क्या उनका काम है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पूरा। ये फ्रेंच एसेंस रिएक्शन, मुझसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन तो इन लोगों का आ रहा है। देख अनुचल ब्लॉग्स, गुड गुड, पूछ सकते हो तुम लोग अनुचल ब्लॉग्स। यूट्यूब ओपन कर रहा है यूट्यूब, मुझसे देखो मुझसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन ये सब बच्चे दे रहे हैं ब्लॉग में। हाय हेलो गाइस, ओपन कर यूट्यूब ले आए हैं। मौसी जी ने सूट लिया है, कलर बहुत ही प्रिटी लग रहा है इसका, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बनने के बाद ही बहुत अच्छा लगेगा। इसने साड़ी ली है, दिखा तू भी अपना, क्योंकि बाद में तुम सब लोग घर घर चले जाओगे अपने अपने, तो मेरे जनता नहीं देख पाएगी क्या शॉपिंग करी है। अच्छा इसने ये साड़ी ली है, इंडिगो टाइप है ना ये, थोड़ा काइंड ऑफ इंडिगो ब्लू कलर होता है। अच्छा सिल्क पैटर्न में है, सिल्क पैटर्न में ली है इसने साड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। बस पूरा मत खोलो परेशान मत हो, हाँ सुंदर बनने के बाद मतलब बहुत। सो भाई भावना त्यागी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पहन के दिखाएगी अपनी साड़ी वहाँ पे, जनता मुझे फॉलो नहीं कर रही। किसी ने जिंदगी में इतना छोटा कुकर देखा है ना कहीं, तो प्लीज कमेंट करो, इतना छोटा है। लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए है ये, तो पूछिए उनसे कितने का, एक बार पूछियो, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। ले ले, क्या करेगी यार, लड्डू गोपाल जी के भोग काम आ जाएगा, देखो बहुत सुंदर है। जो हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे थे, मैं नहीं मतलब भावनी को ढूंढना था, सरस हॉल, सरस ना हॉल नंबर 7, और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हमने कर ली है यहाँ पे, ये बोल रही है सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और कौन कौन कॉम्बिनेशन है, हाँ यहाँ पे बिहार झारखंड केरला महाराष्ट्र बहुत सारी चीज़, यूपी बहुत सारी जगह यहाँ पे है इंक्लूड। अभी चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे कलेक्शन अंदर, लेट्स गो। भाई मेरा जोश जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, और मैं जल्दी थक जाती हूँ, आई नो, क्योंकि दुबई में मैं थक जाती थी, मैं तो थक गई, मैं तो फिर से थक गई। मैं फिर से तो नन्नू चल लेता, नन्नू चल लेता, भैया रुक जाओ सारा झाड़ू मेरे कपड़ों पे लगा दोगे क्या। तो झारखंड में भाई सफाई चल रही है सब, और लेट्स गो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सरस हॉल का माहौल भी मुझे थोड़ा सरस लग रहा है, वहाँ वाले से कम भीड़ है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, नाम से ही सरस है, सरस छे, जैसे वो मैं सीरियल देखती हूँ ना एक, कौन सी पता नहीं कहाँ कौन सी जगह का है वो, पता नहीं हैदराबाद का है कि इंदौर का है कहाँ का है, बहुत सारा गुजराती सीरियल, सॉरी सरस छे, सरस का माहौल भी सरस छे। देख कह रही है 10 kg, ये छोटे छोटे बैग, ये वाटर प्रूफ है और 10 kg तक वेट कैरी कर सकते हैं। तो यू आर प्रमोटिंग, तुम प्रमोशन कर रहे हो यहाँ पे, कितना पैसा मिला तुमको प्रमोशन का? 100 रुपया बस, छोड़ो। ये आंटी जी खाना बांट रही है यहाँ पे, यहाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा राहत सी है, ये ट्रेड फेयर का सरस वाला वो है जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया आप लोगों को, बट भीड़ तो अंदर बहुत भीड़ है, ये तो सिर्फ बाहर का एरिया है जहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, एंड दैट इज़ टू मतलब ऑलरेडी भीड़ है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा। अब मम्मी वो आयरन से बनाया हुआ है पूरा, ये सब इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, मतलब बढ़िया लग रहा है मुझे ये वाला ना सिस्टम, हैंडमेड चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब होता तो सब कुछ हैंडमेड है, पर वैसे मतलब कि बिल्कुल ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हमने खुद ही, अभी पीछे एक आयरन वाली शॉप थी उसमें बना नहीं पाई व्लॉग, भांदी के पास कैमरा था वो भी बहुत अच्छा था। हरियाणा का है मम्मी ये सब, देखो ये हरियाणा, तेलंगाना का, देख कितनी दूर से लोग, तेलंगाना का है ये, अच्छा ये वो होती है ना, दूर से लोग आए हैं। भाई देखो ये राजस्थान से है, राजस्थान का जो पहनावा होता है वो वहाँ से है, ये सिक्किम से है, नाइस। ये मतलब जो जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती होंगी उस टाइप से, देखो मम्मी सुंदर है ना ये फ्रेग्रेंस कैंडल होगा ना अगर तू ले, क्या प्राइस है इनका?
सॉरी 150 सुंदर लग रहा है ना। घूम लिए कि मैं और मम्मी तो थक गए हैं, मम्मी भी पूरी थक गई, देखो जब आई थी सारे बैग्स वैग्स ले रहे, मम्मी जो हमें शॉपिंग करी है इधर, और भावना दीदी और मौसी जी नहीं थके हैं अभी भी, स्टिल वो लोग घूम रहे हैं, तो उनको कुछ कुछ चीज़ें और देखनी, क्योंकि वो लोग ना सूट और साड़ियों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मतलब स्पेशली मतलब प्राइस भी और वैसे वैराइटीज़ भी बहुत हैं, ऑब्वियसली जब इतने सारे जगह से लोग आए हैं तो अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हैं ही हर तरह की, तो अभी वो लोग फिर से शॉपिंग कर रहे हैं, मैं बहुत थक गई, मैं शक्ल से बस चल रहा होगा। इसके बाद अभी हमें जनपद भी जाना है, निशी निकल चुकी है अपनी फ्रेंड्स के साथ घर से, तो उसके बाद हम जनपद जाएंगे अभी, और जनपद जाके हो सकता है लाजपत भी जाएँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, सारी जगह पर पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाकी ब्लॉग वहीं जाके कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब ट्रेड फेयर का तो मैंने काफ़ी कुछ दिखाई दिया है आप लोगों को, आने देते हैं उनको फिर चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी, मैंने खाया भी नहीं सुबह से आज कुछ भी, सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड पिया, फ्रूट्स खाए हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, एक तो इतना गंदा गंदा ऑयल यूज़ करते हैं, ऊपर से आज भीड़ ज़्यादा है तो फिर कुछ भी दे रहे हैं वो लोग, ऐसे टेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ खाने में ना। लिया था हमने पाव भाजी छोले भटूरे लेकिन मैंने नहीं खाए, तो अब चलते हैं और जनपद में खाऊंगी मैं डोल मांटी के मोमोज। फाइनली अभी हम लोग ट्रेड फेयर के बाद आ गए हैं जनपद मार्केट, और निशी की फ्रेंड देखो भाई इतना ज़्यादा बिजी हो गई है चीज़ें खरीदने में कि एक हाथ में मोमोज एक हाथ में अभी सेल लगा देगी वही जाके गाजर यहाँ से लेके 30 रुपये गाजर वाले सेल लगा दे रहे 50 रुपये। इसको देखो कितनी चिली सॉस खा रही है लड़की, दिखा गुडन अपनी प्लेट दिखा तू ज़रा, देखो कितनी मिर्ची खाती है तभी ये तीखी मिर्ची बनी जाती है हर टाइम ना। गाइस आप लोगों को लगेगा ये सो के उठ के कहाँ से आ गया, वैसे मैं नहाने जा रहा था बट मैंने सोचा कि हर बार ब्लॉग ना एंड नहीं होने तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, क्योंकि आजकल इतना थक चुके हैं कैमरा पकड़ पकड़ के उसके बस की एंड करना नहीं है, वो भी नीचे कर दीजिए किसी काम से, और अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और पूरे ब्लॉग में मैं नहीं था, मैं खाली एंडिंग करने आया हूँ, ऐसी शक्ल लेके आया हूँ बिल्कुल ही, मतलब ये पूरा ऐसे मूव हो रखा है क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठाऊँ अगला दिन है और मैं नहाने जा रहा हूँ जस्ट अभी मैंने सोचा कि नहाने से पहले इसको एंड करके फिर एक्सपोर्टिंग पे लगा देते हैं, तो गुड बाय टेक केयर। आप लोग पता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसकी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो आजकल की इस वाले ब्लॉग की, तो आप लोगों को क्या करना है आप लोग जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय टेक केयर, लव यू गाइस।